क्या होती है, लॉन्ग होती है, तो उसको क्या करना है, हमको सीधा एरो कर देना है।
देखिए यहाँ पे बैट दी गई है, अभी मैंने आपको बताया ये लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए एरो बना दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ओनियन लिया गया है, ओनियन कैसे होता है, राउंड होता है, यहाँ पे राउंड लिख दीजिए, सर्कल बना दीजिए छोटा सा। उसके बाद यहाँ पे बच्चों स्पून है, और स्पून जो है वो सिंपली ऊपर से तो लॉन्ग ही होता है, तो हमको यहाँ पे एरो का साइन लगा देना है। तो स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है, हम लोग जो है पेज नंबर 6 देख लेते हैं। स्टूडेंट पेज नंबर 6 में क्या है, कलर द राउंड ऑब्जेक्ट्स ग्रीन। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है समझ लीजिए, आपको राउंड ऑब्जेक्ट जो है, जो जो कि अभी मैंने समझाया राउंड ऑब्जेक्ट जो भी है, वहाँ पे आपको कौन सा कलर करना है, ग्रीन करना है, ओके। एंड जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, जो लंबी वाली ऑब्जेक्ट है, उस पर आपको क्या करना है, येलो कलर करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, जैसे कि अभी ये कैरेट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, येलो कलर आएगा। जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट है उस पर आपको येलो कलर करना है, और जो राउंड ऑब्जेक्ट है उस पर आपको जो है ग्रीन कलर करना है। अभी देखिए आगे बॉल है, तो बॉल में कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा। अभी यहाँ पे ट्री है, ट्री लॉन्ग लंबा ही होता है, तो क्या आ जाएगा, येलो कलर आपको उस पर घर पे जो है कलर उससे कर देना है, ओके। तो ये पिक्चर उसके दिए गए हैं बच्चों, आपको ऐसे ही आगे वाला पिक्चर भी करना है। देखिए यहाँ पे जो बॉटल गार्ड दिया है उसको भी आपको क्या करना है, येलो कलर करना है। फिर जो है यहाँ पे पंपकिन जैसा जो है राउंड शेप दिया है वो वहाँ पे आपको ग्रीन कलर करना है। फ्लैग दिया है वहाँ पे येलो करना है, बिकॉज वो जो फ्लैग है वो लॉन्ग है। यहाँ पे देखिए बाउल दिया गया है वो ग्रीन है, तो ग्रीन में आपको क्या करना है, अपना बाउल में आपको क्या करना है, ग्रीन कलर करना है। फिर यहाँ पे जो है सीढ़ी दी गई है उस पर आपको येलो कलर करना है, मतलब वो लॉन्ग है, किसी चढ़ने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम लॉन्ग चीज़ है उसके लिए हमको कौन सा कलर करना है, येलो कलर। फिर वैसे ही पेंसिल में भी येलो कलर ही आएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑरेंज बना हुआ है, कैसा है वो, गोल है, होता है ऑरेंज है, पर आपको यहाँ पे कौन सा कलर करने को कहा है, ग्रीन कलर, तो आपको इसमें ग्रीन ही कलर करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रश है, तो ब्रश के लिए कौन सा कलर करेंगे, येलो कलर। फिर देखिए यहाँ पे ये राउंड शेप है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाएगा। व्हील है वो भी राउंड है, उसमें भी पेन है, वहाँ पे येलो कलर कीजिए। और जो है लास्ट में पोमेग्रेनेट दिया गया है, उसमें आप राउंड शेप में, इसलिए आप ग्रीन कलर करिए, ओके। स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, अभी हम जो है स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 7। यहाँ पे आपको खाली अंडरस्टैंड करना है, समझना है, ओके। देखिए फर्स्ट शेप क्या दिया गया है, क्यूब दिया गया है, क्या दिया है, क्यूब। अभी बच्चों यहाँ पे क्या चीज़ है, एक तो शेप दिया है, उसमें फर्स्ट है रोल, स्लाइड, फर्स्ट है। देखिए पहले रोल समझ लीजिए, रोल का मतलब होता है जैसे कि आप स्लाइड से किसी चीज़ को ऊपर से अगर ढकेलते हैं या फिर नीचे गिराते हैं, तो वो चीज़ अगर रोल होकर नीचे जाती है तो डेट इज़ कॉल्ड रोल, ठीक है। और अगर किसी स्लाइड से जैसे कि किसी वस्तु को गिराया जाए और वो स्लाइड होकर नीचे आती है, तो डेट इज़ कॉल्ड स्लाइड थिंग, ठीक है। इसके लिए स्लाइड कहा जाता है इसे। और जो है स्टैक, स्टैक का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ का, जैसे हम ढेर लगाते हैं ना, जैसे एक के ऊपर एक हम किसी चीज़ को पर्टिकुलरली रखते हैं, उस चीज़ का अगर वैसा, उस चीज़ को क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं, ओके। तो ये हम समझ लेते हैं, ओके। देखिए जैसे रोल का मतलब है आप ऊपर से स्लाइड से किसी बॉल को नीचे गिराएंगे तो वो कैसे वे में आएगी, रोल होके आएगी, ओके, मतलब घूमती हुई नीचे आएगी, ठीक है। और वैसे ही सिंपली आप किसी बॉक्स को, आपका जो पेंसिल बॉक्स है उसे आप ऊपर से स्लाइड करेंगे तो वो कैसे वे में आएगा, स्लाइड होते हुए आएगा, नॉट रोल होते हुए आएगा, ठीक है। तो वो स्लाइड होते आएगा इसलिए उसे स्लाइड वाला कहेंगे। और जो बॉल हम ऊपर से नीचे डालेंगे वो कैसे होते हुए आएगी, रोल। तो ये आपको
यहाँ पे दिखाया गया है, तो यहाँ हम देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज क्यूब। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, तो बॉक्स जो है वो हम स्लाइड से ऊपर से नीचे धकेलेंगे तो वो क्या होगा, क्या वो रोल होगा, रोल होते हुए आएगा? नहीं, वो क्या होगा, स्लाइड होते हुए आएगा। और बॉक्स का हम जो है ऐसे ढेर लगा सकते हैं ठीक है ना, हम बॉक्स को एक के ऊपर एक ऐसे रख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे राइट का साइन दिया गया है। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पे क्यूबॉइड जैसा दिया गया है रेक्टेंगल शेप में, तो इसका भी सेम थिंग है। क्या करेंगे, ये रोल हो सकता है, स्लाइड से हम फेंकेंगे तो रोल में आएगा? नहीं, ये कैसे आएगा, स्लाइड होते हुए आएगा। तो यहाँ पे इसीलिए स्लाइड के लिए टिक किया है और रोल के लिए राउंड किया है। और स्टैक इसका हम वैसे ही जो है ऊपर ऐसे एक के ऊपर एक हम रख सकते हैं, तो क्या आएगा, स्टैक आ जाएगा, स्टैक के लिए राइट आ जाएगा। ओके नाउ थर्ड, देखिए यहाँ पे बॉल दिया गया है, मतलब एक सर्कल दिया गया है बॉल के टाइप में, तो क्या करेंगे, बॉल जो है रोल हो सकता है, तो हो सकता है ठीक है, रोल जैसे हम स्लाइड से नीचे डालेंगे तो वो रोल ही आएगा नीचे, फिर स्लाइड जैसे आएगा नो, वो रोल शेप में आएगा, इसलिए यहाँ पे राउंड किया गया है। फिर इस बॉल का हम जो है ढेर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राउंड आ जाएगा। अभी देखिए बच्चों आगे जो है कोन जैसा दिया गया है, कोन जो है आप कोन जो है रोल शेप में आ सकता है, वो रोल होके ऊपर से नीचे आ सकता है, स्लाइड भी हो सकता है। और जो है स्टैक वो नहीं हो सकता। ओके बच्चों, कोन को हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो वैसा नहीं हो सकता है। ओके नेक्स्ट शेप इज सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल शेप है देखिए, वो आप स्लाइड से नीचे गिराएंगे तो वो क्या होगा, रोल होते हुए नीचे आएगा, और जो है स्लाइड होते हुए भी उसे साइड से गिराएंगे तो वो स्लाइड होते हुए नीचे आएगा। ओके और इसको हम सीधा रखेंगे तो स्टैक होके, मतलब एक के ऊपर एक ढेर लगा के वो ऊपर आ सकता है ठीक है। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन है, तीनों जो है उसमें करेक्ट आएगा। नाउ लास्ट वन इज, देखिए यहाँ पे एक पिरामिड जैसा दिया गया है, तो ये जो है इसका क्या रोल हो सकता है? नो, ये रोल होके नीचे नहीं आ सकता, स्लाइड हो सकता है, स्लाइड हो सकता है, सीधा हम उसे गिराएंगे नीचे तो वो स्लाइड होके नीचे आएगा। और स्टैक हो सकता है, तो यहाँ पे आया रॉन्ग, स्टैक हम उसको एक के ऊपर एक रख सकते हैं? नो, तो ये दिस इज रॉन्ग, तो ये थिंग जो है वो हम ऐसे स्टैक करके नहीं रख सकते। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड द पेज नंबर 7। अब हम जो है आगे वाला देख लेते हैं पेज नंबर 8। ये मैंने आपको करवा दिया है पर लेट मी रिवाइज, ठीक है, फिर से हम लेट रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुट सर्कल फॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस फॉर द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या करना है बच्चों, मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसके हमको सर्कल बनाना है, जैसे हमने अभी किया था ठीक है, और स्लाइडिंग जो ऑब्जेक्ट है उस पर आपको क्या करना है, टिक करना है ठीक। यहाँ पे हमको क्या करना है, रोलिंग ऑब्जेक्ट पे सर्कल करना है और जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है उस पर हमको क्या करना है, टिक करना है, राइट का साइन करना है। फॉर बोथ एंड टिक फॉर द बोथ रोलिंग एज वेल एज स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, एग्जाम्पल दिया है, तो हम पहले देख लेते हैं। पेज नंबर निकालिए 8, देखिए ये वाला पेज ठीक है। अभी आपको मैंने रोलिंग समझाया, स्लाइडिंग भी आप समझ गए हैं, अभी हम यहाँ पे अपने मन से टिक करेंगे। देखिए पेंसिल होती है जो है वो हम ऐसे करके, जैसे टेबल पे हम ऐसे गिराएंगे तो वो गोल होके जो है बढ़ते हुए आगे जाएगी, तो ये रोलिंग ऑब्जेक्ट है। इसके लिए यहाँ पे रोलिंग के लिए क्या लगना है हमको, देखिए यहाँ पे ना बोथ के लिए क्या लगाना है आपको, टिक लगाना है ठीक है। स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट के लिए क्रॉस लगाना है और जो रोलिंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए सर्कल करना है ठीक है। तो देखिए ये जो पेंसिल है वो बोथ है, बोथ का मतलब है दोनों तरह से,
और वो स्लाइड होते हुए नीचे आएगा, तो स्लाइड ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। अभी देखिए थर्ड में एक बॉल दिया गया है, वो रोलिंग ऑब्जेक्ट है तो उसे सर्कल करना है। देखिए यहाँ पे क्या है सबको। अभी हम जो है आगे वाला देखते हैं। देखिए जो बोथ होते हैं, जो रोलिंग भी होते हैं और स्लाइड भी होते हैं, उन पर हमको टिक करना है, राइट साइन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बॉटल दी गई है, ठीक है। बॉटल जो है हम सीधे ऊपर से गिराएंगे तो वो स्लाइड होगी, और हम रोल के जैसे गिराएंगे तो रोल भी होगी। तो यहाँ पे हमने राइट का साइन किया है। नेक्स्ट है टोमेटो। टोमेटो राउंड है, गोल ऊपर से आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, सर्कल का साइन आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ब्रिंजल दिया गया है, ब्रिंजल भी सर्कल आ जाएगा, ठीक है, वो भी राउंड है। बॉल तो सर्कल। फिर यहाँ पे जो स्पून दिया गया है, तो ये जो है स्लाइड करते हुए आएगा, और ये शेप में कैसा है, राउंड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डस्टर दिया गया है, वो जो है राउंड तो हो नहीं गया, होएगा नहीं, फिर क्या होगा, ये जो है स्लाइड होके नीचे आएगा, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस। देखिए यहाँ पे स्लाइड वाले ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है, यहाँ पे क्रॉस करेंगे। अभी देखिए बच्चों आगे हैं ऑरेंज। ऑरेंज तो गोल है, ऑब्वियसली यहाँ पे सर्कल आएगा। फिर मोबाइल फोन, ठीक है, तो ये भी हम स्लाइड करेंगे तो ये फिसलते हुए नीचे आएगा, तो क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे डाइस दिया गया है, वो भी इसी टाइप से क्रॉस हो जाएगा, वो रोल के नीचे नहीं आएगा, वो कैसे आएगा, स्लाइड करते हुए नीचे आएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पे प्लेट है, प्लेट भी आप ऊपर से गिराओगे तो गोल होकर नीचे आएगी, ठीक है। यहाँ पे राउंड कर दिया है, सर्कल कर दिया है। फिर देखिए यहाँ पे सिलेंडर दिया गया है, तो वो भी ऊपर से ऐसे नीचे गिराएंगे तो वो सीधा भी आएगा, राउंड भी आएगा, तो कैसे आएगा, यहाँ पे टिक का साइन, राइट का साइन आएगा, ये बोथ होता है, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज बैट। देखिए अभी बैट जो है लॉन्ग भी है, लॉन्ग है, और वो ऊपर से हम स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, सीधा ही नीचे आएगा। स्लाइड ऑब्जेक्ट को हमको क्रॉस करना है, यहाँ पे कर दीजिए क्रॉस। ओके स्टूडेंट्स, तो वी फिनिश अवर पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। पुट टिक फॉर द ऑब्जेक्ट विच कैन बी स्टेप एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी स्टेप इन गिवन एग्जाम्पल आर गिवन। अभी यहाँ पे क्या करना है बच्चों, देखिए पुट राइट फॉर द ऑब्जेक्ट विच कैन बी स्टेप। ओके, स्टेप का मतलब हम, मैंने आपको बताया था कि हम एक के ऊपर एक उस चीज़ को रख सकते हैं, उसका हम ढेर लगा सकते हैं, उसको कहते हैं स्टेप। ओके, तो स्टेप वाली ऑब्जेक्ट जो होती है तो उसको क्या करना है, हमको यहाँ पे टिक का साइन करना है, राइट का साइन करना है। एंड क्रॉस फॉर द ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी स्टेप, और क्रॉस किसको करना है, जो स्टेप नहीं हो सकती है, ऐसी ऑब्जेक्ट को हमको, जिसका हम ढेर नहीं लगा सकते हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है, क्रॉस का कर देना है साइन। ओके, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग है, हमको यहाँ पे मैच बॉक्स दिया गया है। ओके, तो मैच बॉक्स का जो है एक के ऊपर एक हम रख सकते हैं, है ना, स्क्वायर शेप में जो भी है उसको हम एक के ऊपर एक रख सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, उस पर टिक आ जाएगा, वो स्टैक ऑब्जेक्ट है। ओके, स्ट्रॉबेरी दिया है, उसको हम एक के ऊपर एक नहीं रख सकते क्योंकि वो थोड़ा सा राउंड शेप में होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस। नाउ देखिए स्केल दिया गया है, यहाँ पे स्केल को भी आप, क्योंकि वो स्क्वायर में है तो आप उसको एक के ऊपर एक रख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा राइट का साइन। अभी देखिए यहाँ पे पोस्ट कार्ड दिया गया है, पोस्ट कार्ड को भी आप एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, राइट। ओके, फिर यहाँ पे फिंगर रिंग दी गई है, तो इसको आप एक के ऊपर एक रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये राउंड शेप में है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस। अभी देखिए यहाँ पे स्टोन दिया गया है और उसका कोई शेप नहीं है, ठीक है, तो इसे भी आप एक के ऊपर एक नहीं रख सकते क्योंकि शेप ही नहीं है, तो ये पे भी आ जाएगा क्रॉस। अभी देखिए मोबाइल फोन है, आप स्क्वायर शेप में है, आप एक के ऊपर एक अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा
साइन आ जाएगा यहाँ पे। इसके नीचे देखिए बच्चों, चीकू का साइन वो दिया गया, पिक्चर दिया गया, तो ये राउंड शेप में है, तो इसे भी आप अरेंज करके नहीं रख सकते, ढेर लगा के नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। आगे का पिक्चर देखिए, 1 रुपये का कॉइन है, ठीक है, तो इसे आप ढेर लगा के रख सकते हैं, ठीक है, भले ये गोल है, भले है ये राउंड है, और आप इसका जो है एक के ऊपर एक अरेंज करके रख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट का साइन आएगा। देखिए यहाँ पे बॉटल दिया गया है, तो वो भी राउंड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो है स्टैक इसको कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया राइट का साइन। उसके बाद देखिए नीचे जो बॉल दिया गया है, ठीक है, बॉल को हम स्टैक करके नहीं रख सकते, एक के ऊपर एक नहीं रख सकते, तो यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। फिर देखिए ब्रिक दिया गया है, यहाँ पे ईंट दी गई है, उसको भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे राइट का साइन। फिर बॉल ही है ये भी, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। तो आई होप ये पेज नंबर 9 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 12 और 13 ये आपको घर से करके लाना है, ओके। यहाँ पे भी देखिए क्या दिया गया है, मैं समझा देती हूँ। पुट राउंड फॉर द राउंड ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बताया पहले हमने पढ़ा था, राउंड ऑब्जेक्ट के लिए हमको राउंड करना है, मतलब सर्कल करना है छोटा सा, वहाँ पे साइड में जगह दी गई है, वहाँ पे आपको करना है, ओके। और लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए जो है एरो करना है इस साइड से, तो ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, अपनी यही वाली वर्कबुक में करना है, ओके। पेज नंबर 12 और 13 आपको इसी तरह से करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है थोड़ा, तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 13 पेज पे, पुट राइट फॉर द ऑब्जेक्ट विच कैन रोल। अभी मैंने आपको रोल का बताया, जैसे आप ऊपर से स्लाइड पे से किसी रोल चीज़ को, ऑब्जेक्ट को नीचे गिराएंगे तो वो कैसे होते हुए आएगी, रोल होते हुए आएगी। और स्लाइड कैन बी स्टैक, तो जो है रोल और स्लाइड वो दोनों हैं अलग अलग है, ठीक है। और स्टैक का मैंने आपको बताया कि जिसके हम ढेर लगा सकते हैं उस चीज़ का, ठीक है, उसको क्या करना है आपको, क्रॉस करना है, ठीक है। तो ये भी आपको घर से करके लाना है, ठीक है। नाउ वी विल फिनिश अवर लेसन नंबर 1, वी विल स्टार्ट अवर लेसन नंबर 2 इन अवर नेक्स्ट वीडियो।